नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश दुनिया में इन दिनों पर्यावरण संरक्षण की चर्चा जोर शोर से हो रही है। प्रकृति स्वच्छ हो, नदियां स्वच्छ हो, आसपास का वातावरण स्वच्छ हो और हम लोग स्वच्छ हवा में सांस लें, ये सबकी कामना है। लेकिन जिस तरह से जंगल कट रहे हैं, जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं, नदियों में फैक्ट्रियों की गंदगी बहाई जा रही है, नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, कई नदियाँ तो नाले में तब्दील हो गई हैं, ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में गंगा की अविरल स्वच्छता और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस रेस को गंगा रन नाम दिया गया, जिसे नमामि गंगे विभाग की ओर से आयोजित किया गया था। रेस में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गंगा रन को नमामि गंगे विभाग के वित्त निदेशक रत्नेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारम्भ किया। ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू होगी, हजरतगंज चौराहे से होती हुई सिकंदराबाद चौराहा और हनुमान सेतु होती हुई फिर वापस यहीं पर समापन होगा। वो जीवन जिसके लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारी लापरवाहियां हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। गंगा जो जीवन देने वाली थी, नदियां जहाँ पर जिनके आस पास ही जीवन बढ़ रहा था, उन्हें ही हम प्रदूषित करते जा रहे हैं अपनी अज्ञानता की वजह से। नमामि गंगे डिपार्टमेंट लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आप सबकी सहभागिता से इसे स्वच्छता की ओर ले जाएं और लंबे समय तक इसको अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकें। हाफ मैराथन केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू होकर हजरतगंज, सिकंदराबाद, गोमती पुल, खाटू श्याम मंदिर और हनुमान सेतु होते हुए परिवर्तन चौक के रास्ते से गुजरते हुए फिर केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर समाप्त हुई। समापन पर प्रतिभागियों ने गंगा एवं अन्य नदियों के अस्तित्व को बचाए रखने और उन्हें स्वच्छ रखने को लेकर अपने विचार भी साझा किए। इस दौरान गंगा प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें अचिंत्य, प्रताप शाही, ऐश्वर्या जैसे बच्चों ने पुरस्कार भी प्राप्त किए। पुरस्कारों का वितरण निदेशक वित्त नमामि गंगे श्री रत्नेश कुमार सिंह की तरफ से दिया गया। हाफ मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग के आधार पर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले को भी पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सोनालिका सिंह समेत आयोजकों का धन्यवाद भी किया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।